लोक सभा समावेश लाइव लो चुदा पढ़ते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए नान बीआर यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन में बैठने के लिए कहा था। श्री गांधी ने एसपीजी टीम, कन्वाय मार्शल तथा स्थानीय पुलिस की बात की जगह अपने पीएस की बात को माना, पुलिस अधिकारियों की बात को नहीं माना, एसपीजी के अधिकारियों की बात को नहीं माना, बल्कि अपने पीएस की बात को माना। और अध्यक्ष महोदय, परंतु वही बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। प्लीज 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 सुनिए, सुनना तो पड़ेगा। प्लीज प्लीज अध्यक्ष महोदय, परंतु एसपीजी के अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एसपीजी के अधिकारियों ने प्रेजेंस ऑफ माइंड का परिचय देते हुए एसपीजी ड्राइवर को नॉन बुलेट रेसिस्टेंट कार को ड्राइव करने के लिए तैनात किया, यानी जो दूसरे कार का ड्राइवर था उसको इनकी जो नॉन वीआर कार थी उसको ड्राइव करने के लिए हमारे एसपीजी के अधिकारियों ने कहा, क्योंकि एसपीजी ड्राइवर ऑफेंसिव और डिफेंसिव ड्राइविंग में ट्रेंड होते हैं, जो कि वीवीआईपी सुरक्षा ड्यूटियों के लिए यह आवश्यक होता है। सब सुनो ना, था क्या क्या किया था, कुछ सुनना पड़ेगा नहीं। और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूँ सदन को, आगे की सड़क की यात्रा के दौरान एसपीजी सुरक्षा प्राप्त श्री राहुल गांधी से मिलने के लिए, लोगों से मिलने के लिए बार बार वह वाहन से उतरते रहे तथा सुरक्षा मानदंडों का बराबर उन्होंने उल्लंघन किया। ऐसे स्थानों पर भी रुके जो और ऐसे स्थानों पर भी वह रुके जहां पर कि उनका कोई कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था ही नहीं, उन स्थानों पर भी वह रुके। और दौरे के दौरान श्री राहुल गांधी 3:20 पर धनेरा लाल चौक पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 4000 लोगों के जन समूह को संबोधित किया। लगभग 500 से 700 लोगों की भीड़ सभा स्थल के समीप सड़क के समीप इकट्ठी हो गई थी। श्री गांधी के भाषण के दौरान दो विरोधकर्ता नारे लगाते हुए काले झंडे के साथ बाहर आए। इन लोगों को तत्काल पुलिस ने रोक लिया। यद्यपि यह सभा 15 से 20 मिनट तक चलनी थी, किंतु श्री राहुल गांधी केवल 7-8 मिनट में ही थावर हेलीपैड के लिए निकल गए। जब उनका काफिला लाल चौक को पार कर रहा था तभी भीड़ में से किसी एक अज्ञात व्यक्ति ने एक पत्थर फेंका, इससे पिछले बाएं दरवाजे की खिड़की का शीशा जो नान बिहार कार थी उस पर टूट गया। इस घटना में श्री गांधी को कोई चोट नहीं आई, परंतु उनके एसपीजी के पीएसओ के बाएं हाथ में चोट आई। और अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में राज्य की ओर से स्थानीय पुलिस द्वारा धनेरा पुलिस थाने में अपराध संख्या 59/2017 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 337 और 427 के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है तथा इसकी जांच चल भी रही है। जांच के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी गुजरात की पुलिस ने किया, जो अब भी जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में अब भी वह व्यक्ति है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस घटना के सभी सुसंगत पहलुओं की जांच कराने के लिए उसी दिन अपर पुलिस महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी को भी नियुक्त कर लिया है, एडीजी रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया है पूरे मामले की जांच करने। यह उल्लेखनीय है कि श्री गांधी को बुलेट रेस्टेंट कार का प्रयोग करना चाहिए था, जो एक एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के रूप में उनके द्वारा अपेक्षित था। ऐसा करने पर इस घटना के सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन को प्रभावी तरीके से निष्प्रभावी किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे उसका पूरी तरह से उल्लंघन किया है। धनेरा से प्रस्थान करने के बाद अपने पुनः अपने अगले कार्यक्रम के लिए धारा पहुंचने पर एसपीजी ने श्री गांधी को पुनः फिर से श्री राहुल गांधी को बुलेट रेस्टेंट कार का प्रयोग करने की सलाह दी, किंतु वह उससे भी सहमत नहीं। यहां पर भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का वायलेशन किया। सुरक्षा संबंधी सलाह को नजरअंदाज करते हुए वे फिर नान बिहार पार्टी कार से ही गए। उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत रोड प्रोटेक्शन टीम ने स्वयं को खत्म
खतरे में डाल दें, जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम लगी थी अगर स्वयं अपने को खतरे में डाल कर वाहन के फूट बोर्ड पर खड़े होकर श्री गांधी के वो बॉडी कवर उस समय प्रदान किया। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी श्री गांधी इस प्रकार के जो भी सिक्योरिटी एडवाइजरी रही है, सुरक्षा जो सलाह रहे हैं, उसको बराबर नजरअंदाज करते रहे हैं, बराबर उसकी अवहेलना करते रहे हैं। इसके पहले भी 21 जुलाई को राजकोट का दौरा गुजरात में उन्होंने किया था और श्री गांधी ने एसपीजी द्वारा दी गई बुलेट रेस्टेंट कार का प्रयोग करने की जो सलाह दी गई उसकी भी उन्होंने अवहेलना कर, उसकी भी उपेक्षा कर दी और फिर से नॉन बुलेट कार में जाकर वह बैठकर उन्होंने अपनी यात्रा की। अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 वर्षों में मैं अध्यक्ष महोदय विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछले 2 वर्षों में 121 निर्धारित तथा गैर निर्धारित आंतरिक दौरे यानी देश में उनके दौरे हुए हैं जिनमें बुलेट रेस्टोरेंट कार का प्रयोग न करके 100 times सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर नॉन बुलेट रेसिस्टेंट कार का इस्तेमाल किया। ये उल्लंघन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा तथा श्री राहुल गांधी के कार्यालय के ध्यान में भी लाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जब जब इन्होंने सुरक्षा जो सिक्योरिटी नॉर्म्स होते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो उनका उल्लंघन किया है, उस पार्टी के अध्यक्षा के भी संज्ञान में लाए गए हैं, पार्टी कार्यालय के भी संज्ञान में लाए गए हैं, राहुल गांधी के भी संज्ञान में लाए गए हैं, परंतु उनके कार्यालय ने एसपीजी को यह सूचित किया है, परंतु उनके कार्यालय से साथ कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार श्री राहुल गांधी सुरक्षा सलाह को नजरअंदाज करते हुए विदेशी दौरों के संबंध में भी एसपीजी के प्रस्थान के समय से मात्र कुछ घंटे ही पहले सूचित करते हैं। इससे सुरक्षा संबंधित सुरक्षा प्रबंध सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंश्योर करने के लिए एसपीजी को जितना समय मिलना चाहिए उतना समय एसपीजी को नहीं मिल पाता है। और पिछले 2 वर्षों में श्री गांधी 6 विदेशी दौरों में 72 दिन बाहर रहे हैं। इन 72 दिनों की अवधि में एसपीजी कवर उनके साथ नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है ये देश जानना चाहेगा, यह सदन जानना चाहेगा कि विदेश में कहां गए, क्यों नहीं उन्होंने एसपीजी कवर लिया। एसपीजी कवर तो इसीलिए मिला हुआ था, वो चाहे देश में रहें अथवा विदेश में रहें, बराबर एसपीजी कवर उनके साथ रहेगा, लेकिन जानबूझकर एसपीजी कवर को इसी देश में छोड़ देते हैं और वह विदेशों की यात्रा करते हैं। एसपीजी सुरक्षा प्रदत्त व्यक्ति को सिक्योरिटी कवर संसद के अधिनियम के तहत प्राप्त होता है। इसी संसद में अध्यक्ष महोदय एसपीजी एक्ट बनाया है और यह सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को हर समय सुरक्षा उपलब्ध कराने और इसकी जिम्मेदारी एसपीजी को सौंपने में संसद की इच्छा तथा यह विवेक को भी यह दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, मैं यहाँ पर अध्यक्ष महोदय विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि एसपीजी कवर को प्रोटेक्टी से हटाया नहीं जा सकता है, इट गोज विद द पर्सन ऑफ द प्रोटेक्टी। पुनः इसे रिपीट करना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इट गोज विद द पर्सन ऑफ द प्रोटेक्टी एज द शैडो वुड ए मैन। अध्यक्ष महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह एसपीजी पर निर्भर है कि वो प्रोटेक्टी के लिए कैसे सार्थक सुरक्षा प्रदान करे और प्रोटेक्टी को एसपीजी का प्रोफेशनल एडवाइस मानना चाहिए। एसपीजी कवर ने बिना एसपीजी कवर के बिना विदेश जाना वास्तव में न केवल एसपीजी एक्ट का उल्लंघन है परंतु स्वयं की सुरक्षा के हेतु भी यह लापरवाही है। और मैं अध्यक्ष महोदय यह भी बताना चाहूंगा, जिस समय राहुल गांधी जी का दौरा था गुजरात का, उसी समय वहां के मुख्यमंत्री का भी दौरा चल रहा था, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ कहीं से भी कोई नारेबाजी नहीं हुई, कहीं से कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। क्या कारण है कि राहुल गांधी के खिलाफ भी और जिस पार्टी के वह उपाध्यक्ष हैं वह वहां विरोध पक्ष में है,
विरोध पक्ष के नेता के खिलाफ में ही यदि जनता यह नारेबाजी कर रही है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों को यह विचार करना चाहिए क्यों इस प्रकार के हालात पैदा हुए। और हर प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार ने मुहैया कराई थी, और जो लोग भी पत्थर फेंकने वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी की है। इसके लिए मैं गुजरात सरकार को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। मैं पुनः अध्यक्ष महोदय इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही। मैं जानता हूँ कि शायद कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं यह मानकर चलता हूँ एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, यदि राहुल गांधी गुजरात की बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने गए, शायद उनकी यह मंशा रही हो आपदा जो राहत वहां की सरकार के द्वारा दी जा रही है उसका वह जायजा लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह वहां की यात्रा जो उन्होंने की आपदा राहत का जायजा लेने के लिए नहीं, बल्कि शायद आपदा पर्यटन के लिए वहां पर जो वह का दौरा करने के लिए गए। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में एक बार और अध्यक्ष महोदया मैं कहना चाहता हूं, यह एक ड्रिल है। सुरक्षा व्यवस्था एक ड्रिल है जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करती है, और सुरक्षा सारी की सारी उस समय धरी रह जाती है जब सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति ही सुरक्षा के सारे नॉर्म्स का, सुरक्षा के सारे सुझावों का वह उल्लंघन करना प्रारंभ कर दे। और एक नहीं दो दो बीपी कार उन्हें मुहैया कराई गई थी, फिर भी थर्ड पार्टी व कार में वह जाकर बैठे। क्यों ऐसा किया यह हमारी समझ के बाहर है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी भी इस देश के अनमोल धरोहर हैं, उनके ऊपर यदि इस प्रकार की कहीं से भी कोई पत्थरबाजी होती है तो हम सबके लिए यह चिंता का विषय है। और धनेरा में पत्थर चलने के बाद भी नान बीपी कार में वह जाकर बैठ गए। राहुल जी की सुरक्षा के प्रति अवहेलना की कई बार बातें संज्ञान में आई है, और जैसा मैंने पहले उल्लेख किया था अध्यक्ष महोदया की बार बार विदेश की यात्राओं में भी एसपीजी को साथ लेकर नहीं जाना चाहते, तो मैं यह जानना चाहता हूँ क्या वो छिपाना चाहते हैं कि विदेश की यात्राओं पर जब जाते हैं तो अपने साथ एसपीजी को लेकर नहीं जाते, किस बात को छिपाना चाहते हैं। यह सदन भी जानना चाहेगा, यह देश भी जानना चाहेगा। और एसपीजी की सुरक्षा एसपीजी एक्ट के तहत उन्हें मिली है वह, लेकिन यह बहुत ही विडंबना है कि बराबर एसपीजी के द्वारा भी जो सलाह दिए जाते हैं, जो एसपीजी प्रोटोकॉल होता है उनके द्वारा बराबर उसका उल्लंघन होता है। बनासकांठा में जो कुछ भी हुआ अध्यक्ष महोदय निश्चित रूप से वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, किसी तरह उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। पत्थर चाहे किसी पर चले अध्यक्ष महोदय, पत्थर चाहे किसी पर चले, चाहे वह राजनीतिक कार्यकर्ता हो, नेता हो, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता अथवा नेता क्यों न हो, अथवा हमारे सेना के सुरक्षा के जवान ही क्यों न हो, इसे कदापि उचित ठहराया नहीं जा सकता। और मैं पुनः अंत में अपनी गुजरात सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो ही इस घटना की जानकारी उनके संज्ञान में आई तुरंत गुजरात की सरकार ने कार्रवाई की है। धन्यवाद। अब चले, आपने डिमांड किया, राजनाथ जी ने पूरी बात कही, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ऐसे तो नहीं कुछ होता है, नहीं सीट पे जाना पड़ेगा, नहीं ये खड़े भी रहे, आप रोज रोज ये नहीं चलता। नो आई एम सॉरी, नाउ आई विल नॉट अलाउ दिस, आई एम सॉरी, नो नो नो, नाउ क्वेश्चन 301, नो कुमारी सुष्मिता देवी केयर